गौरव कह रहा है कि मेरे को भी एंगल में जरूर लो. हाय गौरव, पता है फेमस होना है. इसने सारे हिमाचल के मेकअप करने हैं जाके. इम्पोर्टेंट है, मतलब हाँ मेरे को भी दिखना है. सही बात है. ठीक है गौरव, नहीं दिखोगे तो कोई फायदा नहीं है, नहीं तो तुम कोई भेड़ चाल में आ अपने जो भी तुम पेजेस कर रहे हो ना, यस, चाहे तुम्हारा पर्सनल पेज है कुछ भी, बोल के डालो. सेल्फ अब फिल्टर्स इतने अच्छे हैं यार, बोल के डालो कि मैं यहाँ पे मेकअप सीखने आई. क्या होएगा उससे लोगों को पता चलेगा कि तुम अभी क्या कर रहे हो. सो वो तुम्हारे में ना धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप करेंगे. हाँ, कॉन्फिडेंस हिमांशु में था, मेरे में था, 1% का नहीं था. सर की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को कि काफी मतलब एक्सट्रोवर्ट से हो गए अब इंट्रोवर्ट नहीं है. अपने आप नहीं ला सकते, ये तुम्हें किसी से इंस्पायर हो के ही आएगा. बिल्कुल. तो मैं तो पता नहीं, मैं शायद इंस्पायर हुई दिल्ली के मेकअप आर्टिस्ट से, बिकॉज दे आर इनटू सोशल मीडिया. रोज उनको अपना फेस ही दिखाना, बोल दी जाना, कुछ भी बोल दी जाना है. बाकी अपनी नेचर भी होती है कि हम हमेशा एक प्रोफेशनल बात करते हैं या हमेशा घरेलू या हम मिक्स मिक्स. ठीक है, मेरा हमेशा प्रोफेशनल टाइप से ही रहता है, मजाक नहीं, लिटल भी फनी. और हिमांशु भी ऐसा ही है. ऐसा ही है, सुन लो क्या कह रहे हैं. ओके, एक और चीज थी तो मैं ये कह रही थी कि तुम लोगों ने मेहनत कर रहे हो, अच्छी कर रहे हो, प्रोडक्ट्स भी तुमने लिए हैं, बहुत अच्छी बात है. पर कभी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आता है कि तुम्हें लगेगा यार मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा. वो होता है कभी कभी. मैं और हिमांशु में डर लगता है यार, मुझे आगे कहता है साक्षी यार आज मेकअप अच्छा नहीं हुआ. वो एक मेकअप हमारे 100 मेकअप को ख़त्म कर देता है. ठीक है, बट हाँ वो होता है. तो कॉन्फिडेंस लूज होता है सिर्फ एक मेकअप के कारण. पर तुमने उस टाइम पे भी नहीं घबराना है, तुमने कहना कि नहीं मैं इससे बेटर कर पाऊंगी. अगर वो तुम्हारे में और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगी, नहीं यार इसका मेकअप जैसे मर्जी हो ये नहीं जाएगा. चाहे तुम जहाँ मर्जी से सीख लो, हर किसी का एक ही वे है. किसी का भी वे तुम घोट के फेस पे नहीं डाल सकते. मेकअप इज सिमिलर हर किसी का, सिर्फ एक प्रोडक्ट चेंज होता है या किसी ने ऊपर फाउंडेशन नीचे कंसीलर लगाया या उल्टा किया है. प्रोडक्ट किसने ज़्यादा अप्लाई किया है, किसी ने कम किया है, बट कोई भी फ्लॉलेस बेस अनइवन पे, अनइवन टेक्सचर पे नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, क्योंकि वो टेक्सचर ही है. ओके, हर किसी की अपनी फेस ब्यूटी है, हर किसी की फेस ब्यूटी को बढ़ा रहे हैं. ओके मैम, अगर इस बैच के बाद कोई दिक्कत आती है मेकअप में, तुम्हें पूछ सकते हैं. कोई भी दिक्कत आती है तुम कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो. मे भी एक आधा दिन लेट हो जाए, बट हमारी टीम हमेशा रिप्लाई कर देती है. ठीक है, पर हमेशा तो मैं यही कहूँगी कि जो प्रोडक्ट्स तुमने ऑलवेज क्लास में यूज़ किए, पहले उसको अपने हैंड से ना फिनिश अप कर लो. 3-4 बॉटल्स उसकी ख़त्म कर चुके हो, मतलब इतनी प्रैक्टिस हुई हो, फिर तुम नए ब्रांड पे शिफ्ट हो, क्योंकि वो तुम्हारे हैंड पे चढ़ चुके हैं. जब वो एकदम तुम यूज़ कर चुके हो, तुम्हें ना सारे दिमाग में शेड बैठ जाना है, बिना शेड देखे कि कौन सा नंबर लगाना है. तुम्हें याद हो जाए, याद नहीं मतलब तुम्हारे जहन में बैठ जाएगा, खून में मेकअप चला जाएगा. तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें प्रोडक्ट्स के पीछे नहीं भागना, तुम्हें पॉजिटिव ही रहना है. मैं भी नेगेटिव हो जाती हूँ कई बार, बट वो फिर एक आधा दिन रो पिट भी लेते हैं. बंदा रोता है बड़े पूरे तरीके से, रोता है कि मैं आज हो क्या गया, और ऐसा लगता है कि तुम वो ही कुछ. हिमांशु सर कैसे करते हैं जब उनका कभी मेकअप ऐसा हो कि ना अच्छा होता है, मतलब मेकअप के कारण, तब फिर मैं उसको समझाती हूँ. समझाती हूँ क्या, बड़ी बहन का फर्ज निभाती है ये. बड़ी बहन का फर्ज निभाते हुए मैं यही बोलती हूँ कि तूने उसकी ब्यूटी को बहुत इन्हांस किया. हर किसी की तो अपनी ब्यूटी है, वो हमने उसको इन्हांस किया. पर मेरे को जो मैंने उसको पहले देखा था आफ्टर में, तो वो बहुत सुंदर थी. और जब क्लाइंट ही खुश है तो फिर हम क्यों उदास हैं. हमें लगता है कि हम हर किसी को कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट बना सकते हैं, बट ओरिजिनैलिटी दे आर ऑलरेडी वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है ना, कि मतलब अगर तुम उन पे मेकअप करोगे तो ऑब्वियसली वो अच्छा लगेगा ही, बट उन पे मेकअप भी हम वेरी लाइट मिनिमल ही अच्छा लगेगा, क्योंकि उनकी ओरिजिनल ब्यूटी ही इतनी ज़्यादा है. तो हर किसी पे हम सेम चीज़ भी नहीं कर सकते. ऑलरेडी कोई बंदा पता लग रहा है ना सुंदर है, तो उसकी ब्यूटी को सटल रखो, सो दैट वो बंदा ना बदल जाए, वो डरावना लगने लगता है. बहुत सुंदर बन जाए. थैंक यू मैम. अपनी प्रोग्रेस जीरो से देखा करो.